आज मेरी बीवी ने सुबह उठ के घर का सारा काम कर लिया और अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना चौंका हुआ हूँ खुद। तो उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूँ रीज़न क्या है। हाय नीवा, क्या कर रहे हो नीवा? शी इज़ नीवा, ये अंकिता की बहन लगती है, मेरी साली लगती है, तो बहुत छोटी है। तो मैं और नीवा मिलके मोटू की बैंड बजाने वाले हैं। आज होगा सेइंग यस टू माय वाइफ फॉर 24 आवर्स। चलो जो भी है, आई एम रेडी फॉर द चैलेंज। जाट किसी से डरता नहीं है। नीवा, आज अपन YouTube पे चैलेंज देंगे, अपन दोनों मिलके। अपन कुछ भी बोलेंगे ना, इनको यस बोलना है। अपन ऐसे बोलेंगे ना आप उल्टे खड़े हो जाओ, तो भी इनको बोलेंगे यस मैडम और फिर उल्टे खड़े हो जाएंगे। डरी नहीं है तो तो मोटू का चैलेंज स्टार्ट होता है राइट नाउ एंड लेट्स सी व्हाट इज डूइंग। मोटू ऐसे बोलो जी मालकिन हर बात पे। जी मैडम हमारे लिए ब्रेकफास्ट लाया जाए, चाय बनाई जाए। वो देख चुप के देख रही है। कहाँ देख रही है? नहीं देख रही। भतीजी खुश तो बहुत हो गया आज। देखो देखो जीजू जी अपने लिए ब्रेकफास्ट लाए हैं। नीवा के लिए क्या है देखना एक बार। नीवा के लिए एग पराठा बना आज, एक बार देखो तो सही। ये किसका पराठा है? और ये ऑमलेट किसकी है? So, चैलेंज खेलने के दुष्परिणाम आप मेरे को भुगतने पड़ रहे हैं। अगर उस दिन मैं चैलेंज नहीं देता तो शायद आज मुझे नहीं लेना पड़ता। और अब मैं बना रहा हूँ छोटू के लिए चाय। पिछले 2 दिन से आप लोग सुन रहे हैं कि अंकिता ने चाय पीनी कम कर दिया। दिस इज व्हाट शी डिमांडेड। ये कोई छोटा कप नहीं है। पराठा टच जेट करने वाली है। और ये बताओ कैसा बना भाई ऑमलेट? मैंने बनाया, अच्छा बनाया, इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा बनाया वैसे, गुड प्रेजेंटेशन। और मेरा इतना सूखे पाके लाए हैं 2 पराठे, कुछ भी नहीं करा। साथ में चाय भी तो है। चाय क्या बात है मोट। हम तीनों अब खेलेंगे लूडो, देखते हैं कौन जीतता है, बताएंगे फिर आप लोगों को। ऐसे करो मोटू, बाहर जा रहे हो दोस्तों से मिलने? ओके जाइए, आपको इजाजत है। मास्क कहाँ है आपका? इसने पता क्या किया, इसने गूगल टॉक निकाला, गूगल असिस्टेंट, और फिर उसमें अब इसने यूट्यूब में जाके और फिर इसने वॉइस मैसेज दिया उसको तो मुझे भूतों वाली कहानियाँ सुननी है। और सर्च रिजल्ट आ गए, ये आजकल के स्मार्ट बच्चे। और बताओ और टेडी टॉक हो गया। और उनको है ना मेरी तारीफ में एक गाना गाना पड़ेगा। हाँ, और गाना मैं बताऊंगी क्या गाना है। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। इतना टफ तुम कि गा ही नहीं पाएंगे। नहीं वो छत पे ना ऐसे जाना है, सीधे जाना है, उस छोर से उस छोर तक आपको सीधे जाना है। और जाते हो जिस दीवार के पास पहुँचोगे वहाँ ताली बजानी है 2, फिर वहाँ जाके 2 ताली बजानी है, फिर वापस वहाँ जाके 2 ताली बजानी है। अरे नहीं मिकी दीदी प्लीज प्लीज, तो फिर ये तो सिंपल है, मैं अभी कर लूं। उनको डोंकी डांस करेंगे। डोंकी डांस पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया मोटे। मारो मारो मेरे को, मारो। मैंने क्यों? ठीक है मारो। नीवा जाओ, नीवा मारो। डॉन है, हम पूरा खानदान डॉन है हमारा। मेरा नंबर है। गिर मत जाना। बच्चे ने अपना जीवन ही छोड़ दिया जीना। नागिन डांस। नागिन मजा आएगा। उनको ना अपने दोनों के नेल पेंट लगानी हुई नहीं। हाँ और दूसरा आंखें पे लाल मिर्ची पड़ गए। लाल मिर्ची खाने वाने का नहीं करेंगे। वो टेडी है ना बड़ा वाला, उसके साथ बैठ के 2 मिनट बातें कर लीजिए। कोई बातें करो यार। मेरे को लगता था मेरी जिंदगी में गम है, पर तू इतने सालों से नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। जब से ये तेरी घरवाली आई है ना, तब से तू नहीं बोला भाई। पहले अपन दोनों कितनी बातें क्या करते थे। कितना दुखी होगा तू, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। देख इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, तू बोल भी नहीं रहा। अरे बोल दे पगले, कुछ नहीं बोलेगी वो, कुछ नहीं बोलेगी। देख मैं उसको उधर कर देता हूँ, नहीं बोलेगी वो। भाई बोल बोल, क्या दुख है तेरे को, तेरा भाई है यहाँ पे, आज तेरा दुख मैं सुनेगा। तू बोल भाई बोल। नहीं बोल रहा भाई। अरे जीण दे मेरे भाई को। वैसे देख मेरी लाइफ तो काफी अच्छी चल रही है। एक अच्छी सी बीवी है, एक अच्छी सी साली है, जो 2 फीट की भी पूरी नहीं हुई है पर फिर भी है। जीजू को आने के लिए She is doing yoga. जिसका भी पिल्लू पहले छूटेगा वो हार जाएगा। तो नीवा रेडी हो रही है, एनर्जी गेन करी है और यहाँ पिलो फाइट शुरू होने वाली है। क्या करना है हमको? कुश्ती। कुश्ती पिलो फाइट करें? नहीं कुश्ती। कुश्ती नहीं, पिलो फाइट करें। बचाओ नीवा बचाओ। अरे बैठो बचाओ, मैं तो शूटिंग करूंगा। भागने कब चलेंगे? तो हम भागने कब चलेंगे? जब अगर हम भाग जाएंगे ये पक्का फोगा है। सारे डायलॉग पूरे कर लिए। अपन रात को 10 बजे चलेंगे। मैं तो रात को 10 बजे से तो, पर आज तो मैं आज हम लोग जा रहे हैं मोबाइल लेने। एक्चुअली जो मेरा मोबाइल था पहले, ये मोटो का था G5, ये पानी में गिर गया, ख़राब हो गया। और फिर मेरे पास एक पुराना पीस पड़ा था, ये वीवो का है। ये काफ़ी पुराना हो चुका था लेकिन सही हालत में था, तो अब ये भी ख़राब होने वाला है। तो अब मुझे है नए फ़ोन लेने की ज़रूरत, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट नया फ़ोन खरीदते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग या तो OnePlus का लेंगे या फिर हम वीवो का X50 लेंगे। क्या कर रहे हो ये? हम लोगों ने आज की है शाम को वॉक, हमारे पास वाले पार्क में। रात को दोस्तों। और अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। मोटू के कुछ चैलेंजेस बाकी हैं जो उनको करने हैं, और चलो सुबह आएंगे यहाँ पे। नीवा सुबह दोनों को उठाएगी और लेके आएगी। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मोटू को कोई और चैलेंज दिया जाए, तो मेरे को और नीवा को भूख भी लग रही है, तो हम लोग अभी खाना खाना जाते हैं। मोटू हमारा पसंद का खाना बनाया जाए। बनाएंगे सब। आई वॉन्ट बर्गर एंड कोल्ड कॉफी। काइंडली गो। देखते हैं कैसे बना के लाते हैं बर्गर और कोल्ड कॉफी और सैंडविच। आई मीन वाव 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 वाव। टेस्ट कैसा है? हजम हो रहा है? बहुत क्रंची है। क्रंची है, क्रंची अच्छा लगता है ना? मजा आता है क्रंची। इसका दांत भी है आगे टूटा हुआ। ठीक है गाइस, इट्स 745 एंड जैसे कि मोटू ने मेरे साथ किया था, 5 मिनट भी नहीं छोड़े थे चैलेंज के लिए, तो मैं भी उनको माफ़ नहीं करने वाली। 2-3 चैलेंज रह गए, नागिन डांस, नेल पेंट एंड 2-3 और सोचे थे मैंने करवाने, बट टाइम की कमी और शाम को मौसी जी आ गए थे हमारे पास, तो इसलिए वो हो नहीं पाए। और नेवा अभी भी सो चुकी है, सो वो मेरे नेल पेंट लगा रहे थे मोटू से।